नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल तक जो शक और गुंजाइश के भ्रम में थे, उन्हें अब पक्का यकीन हो गया है कि जिन्ना जिन गधों को अपने साथ लेकर गए थे वे अदृश्य सिंह युक्त थे। जिन्ना जानते थे कि इन्हें मदरसा छाप बनाकर सिंह मारने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। फिर उन्हीं मदरसों से जमूरे निकलकर दुनिया में फैले। उसके बाद मदरसा छाप तैमंद बाजों ने यहीं से प्रशिक्षण लेकर पाकिस्तान पर शासन करना शुरू कर दिया। सार्क देशों की एक गंभीर विषय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर जफर मिर्जा ने कल यही साबित किया। यानी दुनिया जब मुश्किल में है, इस मदरसा पैदाइश को कश्मीर राग से ज्यादा अकल अभी तक नहीं आई है। यानी कि अब्बू नया तैमंद पहनकर चले थे दावत खाने, पोते के हाथ पर करी गिरी तो अब्बू के तैमंद से पहुंच बैठे, लेकिन तैमंद ढीला था इसलिए सरेआम महफिल में नंगे हो गए। जफर मिर्जा का भी वही हाल हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना तो बाकायदा उनका मजाक उड़ाती दिखाई दी और उन्होंने उसकी बात को सुनना ही गवारा नहीं किया। यूबी सार्क के 8 सदस्यों के गुट में पाकिस्तान को छोड़कर सभी अन्य 6 सदस्य भारत के समर्थक हैं। ऐसे में पाकिस्तान की किसी भी बात का यहां कोई मतलब नहीं है, मगर पाकिस्तान तो अपनी बेइज्जती खुद ही कराता घूम रहा है। जो पाकिस्तान कल खुद अपनी पीठ थपथपा रहा था, उसकी पोल भी 2 घंटे में खुल गई। पाकिस्तान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 72 पर जा पहुंचा है। बलूचिस्तान में यह मामले सर्वाधिक हैं। पंजाब में सुरक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के चलते यहाँ डॉक्टरों ने अस्पतालों को छोड़ दिया है और मरीजों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बड़ी बात देखिए, 1,30,00,000,000 की आबादी वाले भारत में अभी तक 105 मामले सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में यही केस रहा है। दुनिया में भारत के प्रयासों की तारीफ हो रही है। यानी जब जफर मिर्जा इमरान की पीठ थपथपा रहे थे, पाकिस्तान के पिछवाड़े पर अलगोजे बजने की तैयारी हो रही थी। पर मामला यहां नहीं रुकता। इस घसियारे मुल्क में कल देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब बेमतलब में पीतल लटकाए घूम रही सेना ने ड्यूटी पर जाने से इंकार कर दिया। वैसे भी पिछले 1 साल से भारत ने इनमें दहशत बिठा रखी है। बचा खुचा जोर इनका एक कीटाणु ने निकाल दिया। पाक आर्मी के कई अधिकारी इस रोग की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में दूसरे सैनिकों और अधिकारियों ने ड्यूटी पर जाने से इंकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 8 अधिकारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कर्नल, 2 ब्रिगेडियर और 1 मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। यह जानकारी जफर मिर्जा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही दी है। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान में 15 मार्च तक 620 से ज्यादा संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। 13 मार्च तक यह 462 थे। इमरान जानबूझकर ऐसे मामलों को छुपा रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीठ थपथपाई जा सके, लेकिन यह उसके लिए ही आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। इमरान सरकार ने कल 10,000 जांच किट और स्क्रीनिंग मशीन के ऑर्डर दिए हैं, मगर जब तक यह आयात होगी तब तक इनका बढ़िया से बैंड बच चुका होगा। बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिका से भी पहले अपने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मशीन लगा दी थी। भारत द्वारा सार्क देशों को 74 करोड़ रुपए का फंड जारी करना काफी मददगार हो सकता है, खासतौर से नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे गरीब देशों के लिए यह फंड संजीवनी के समान है। पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, यह इस पैसे को भी मदरसों में जमूरों के प्रशिक्षण पर खर्च कर डालेगा। इस कटोरा छाप मुल्क को एक ढेला तक नहीं दिया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को विश्व गुरु की गंभीरता से परिचित कराया है। यानी भारत मानव जाति के कल्याण हेतु सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, जबकि पाकिस्तान जैसा तैबदबाज मुल्क अभी भी गधिया नर्तक करने में मशगूल है। इससे साबित होता है कि भारत एक महान देश है और पाकिस्तान जैसे मुल्क धरती पर एक कोड के समान है, जिनके पास न दिशा है और न कुछ करने की दशा है। इन्हें मुश्किल की घड़ी में भी राजनीति सूझ रही है, वह भी तब जबकि पाकिस्तान की साख कुकुर के कान में पड़े कीड़े जितनी है। यानी कुकुर के खाने के चक्कर में अपने भी अंत की ओर बढ़ रहा है। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन होने जा रहा है। जिस तरह से यहां संक्रमण फैला है और बचाव के संसाधन नाम मात्र के हैं, उससे हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि इस वक्त कोई भी देश दूसरे देश की मदद करने की हालत में नहीं है। सभी अपनी जनता की सुरक्षा में उलझे हैं। पाकिस्तान विदेशी कर्ज और भीख पर जिंदा है, जिसकी इस वक्त मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ऐसे में यहां हालात संभालना लगभग मुश्किल हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि इस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी।
भारत पहला देश है जो अपने पड़ोसी और मित्र देशों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। ऐसा करना विश्व गुरु होने का प्रतीक है, तो उसका कर्तव्य भी बनता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।